ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कमेंट टॉपिक। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ बहुत अच्छा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ अपने पार्लर से रिलेटेड। और वीडियो में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल वाला आइकन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप मेरे आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। तो बैकग्राउंड देख के आज आप समझ गए हो कि मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जल्द से जल्द अपना सपना शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। यस, वो सपना पूरा हो गया है और वो सपना था मेरा पार्लर। मैं इस वीडियो में आपको आफ्टर एंड बिफोर दोनों का ही वीडियो दिखाऊंगी कि पहले मेरा पार्लर कैसा था, अब मेरा पार्लर मैंने किस तरह से बनवाया। यस, अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना। और आज मेरे पार्लर की ओपनिंग मैंने कर दी है और मैंने बुलाया किसी को नहीं। हाँ, जो मेरे कस्टमर्स हैं उन्हें मैंने ज़रूर बता दिया था कि मेरा पार्लर बन रहा है, तो जब ओपन होगा तो आप लोग आइएगा। लेकिन हाँ, आज के दिन मैंने किसी को बुलाया नहीं है। नॉर्मल पूजा पाठ करके मैंने अपने पार्लर का जो बोर्ड था वो मैंने बाहर टांग दिया है, और जैसा भी होगा वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अपना छोटा सा मंदिर दिखाऊँगी कि मैंने पार्लर में कौन सा मंदिर लगाया है, भगवान जी की स्थापना की है, बोर्ड कैसे बनवाया, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में थोड़ा बहुत शेयर करूँगी। फुल डिटेल तो नहीं, पहले मेरा पार्लर कैसा था वो भी इस वीडियो में मैं आपको साइड में और वीडियो एक वीडियो क्लिप ऐड कर दूँगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले मेरा पार्लर कैसा था और अब मेरा पार्लर मैंने कैसा बनाया है। नॉर्मल जो पार्लर था मेरा पहला, वो काम चलाऊ पार्लर था कि मुझे पार्लर करना था, तो मैंने स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले जब मैं मैरिड होके आई थी। अब 10 साल बाद मैंने अपने पार्लर को मुझे जैसा चाहिए था वैसे थोड़ा बहुत मैंने बना लिया। पूरा तो नहीं बनवा पाया, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी काफ़ी कुछ मुझे और बनवाना है, लेकिन मुझे जल्दी थी कि मैं पार्लर ओपन कर लूँ, बिकॉज शादी के सीज़न स्टार्ट है और अभी 16 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं अपना पार्लर पहले ओपन कर लेती हूँ, और जैसे जैसे सबको पता चलता जाएगा तो वो लोग आते जाएंगे। इनवाइट मैंने किसी को नहीं किया है, तो इस ब्लॉग से ही सबको पता चलेगा कि मेरा पार्लर कैसा है। तो ये पार्लर का बैकग्राउंड है मेरे, मीन्स पार्लर की एक वॉल है, उसमें मैंने इस तरह से डिज़ाइन दिया। पूरा प्रॉपर तो वीडियो नहीं दिखाऊंगी, एक झलक दिखाऊंगी कि मैंने फिलहाल अपने पार्लर को पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, वही इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो पूजा करने के बाद आज मैंने अपने पार्लर की ओपनिंग कर ली है। तो जो भी होगा इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत मेहनत से बनवाया है, अपनी पसंद से बनवाया है। आप लोग को पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये मेरा वीडियो बिफोर और आफ्टर का आप समझ लीजिए। तो जो जैसा भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। कोशिश की है कि पार्लर में जो मैंने फर्नीचर बनवाया है, मीन्स जो मैंने काउंटर बनवाया है, वो मेरे मिसमैच हो जाए जो भी पहले से था उससे। और अभी एक सिंगल ही चेयर मैंने रखी हुई है, नई चेयर भी मुझे लेना है। तो जैसा भी होगा इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको दिखाती हूँ, और आप लोग बहुत से लोगों को वेट था कि मैं किस तरह से पार्लर बनवा रही हूँ। तो इस ये वीडियो भी जल्दी मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और एक प्रॉपर वीडियो अगर आपको चाहिए मेरे पार्लर का तो मुझे कमेंट कीजिएगा। फिलहाल बाहर से अंदर तक का थोड़ा बहुत आपके साथ लोग शेयर कर दूंगी कि आज ओपनिंग है तो मैंने कैसा क्या डेकोरेट किया। कुछ खास तो नहीं, नॉर्मल से डेकोरेट किया है। तो इसमें वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसे क्या बन रहा था, इसी में वो वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे एक एक वीडियो हो जाएगा कि बिफोर आफ्टर सब कुछ आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं इस वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए आप एक देख लीजिए कि मेरा पार्लर कैसे क्या बनने से स्टार्टिंग से लेके और कैसे क्या बन के कम्प्लीट हुआ है, और कैसे पहले था कैसा अब है। तो चलो आप एक देख लो, फिर मैं आपको मिलूंगी वीडियो के एंड में। सो गाइस, ये रहा मेरा पार्लर। पहले कुछ इस तरह का था मेरा पार्लर, मैंने ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करवाया है। अभी जो मैं आपको दिखाऊँ तो अभी आप देख सकते हो कितना मैंने मैनेज किया हुआ था नॉर्मल सी चीज़ों से अपने पार्लर को। ये बैकग्राउंड में ब्लैक कपड़ा दिखेगा आपको, जिसमें वीडियो बनाती थी। तो ये पूरा रूम कुछ इस तरह से है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सामान कैसा क्या बन रहा था। थोड़ा बहुत क्लिप मैंने निकाला है। तो ये मेरा काउंटर है पार्लर का, जो रेडी हो रहा है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ भी बाहर, ये अंदर भी शिफ्ट होगा जब बन जाएगा। और अंदर आधा ये सामान है, 2 दिन का ये वीडियो मैंने शूट किया है, ये अंदर था। फिर देन मॉर्निंग में जो लोग आए थे बनाने के लिए उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। तो ये देखो काउंटर अंदर शिफ्ट हो गया है, और ड्रॉअर वगैरह बाहर बन रहा है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कैसा क्या सेट करना है, क्या चीज़ मुझे कहाँ क्या चाहिए, वही मैं बता रही थी वहाँ पर। और आप लोग बताना कि आफ्टर एंड बिफोर आपको मेरे पार्लर का लुक कैसा लगा।
बहुत ही बजट नहीं था मेरा, मीन्स जितना मेरा बजट था उस अकॉर्डिंग मैंने काम करवाया है फिलहाल। तो यहाँ पे ये बन रहा है और ये अटैच हो जाएगा। देन अब मेरा पार्लर जब बन गया तो मैंने नेक्स्ट डे पूजा की। मैंने अपने मन पार्लर में ये मंदिर लगवाया, भगवान गणेश लक्ष्मी जी को मैंने स्थापित किया है। और पूजा पाठ करके मैंने अपने पार्लर की ओपनिंग कर ली थी, बिकॉज़ मुझे 25 दिसंबर बताया गया था कि 6 दिन है, तो मैंने 25 दिसंबर को अपने पार्लर की ओपनिंग की। तो ये रहा मेरा पार्लर का, मैंने इस तरह से डेकोरेट किया था थोड़ा बहुत। और ये जो छोटा बोर्ड है यहाँ पे लगाया, एक और बोर्ड मैंने बनवाया जो मैंने अपने मेन गेट में लगवाया, वो मैंने शूट नहीं किया, फुल साइज बोर्ड बनवाया मैंने। तो एंट्रेंस यहाँ से है, पर्दा मैंने कुछ इस तरह से लगाया है और आप देख सकते हो ये पार्लर कुछ इस तरह का बन गया है। तो बिफोर आफ्टर कौन सा आपको बेहतर लगा है वो ज़रूर बताना। तो ये इस तरह से मैंने काउंटर कुछ बनवा लिया है और वॉल वगैरह इस तरह से पेंट करवाया है, और मुझे नॉर्मल जैसा चाहिए था मैंने वैसा ही करवाया, सब कुछ मैंने अपनी पसंद से करवाया है। कुछ चीज़ें अभी मैंने कंप्लीट नहीं करवा पाई हैं, वो बाद में कंप्लीट करवाऊंगी मैं धीरे धीरे, जैसा भी होता जाएगा तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ इस तरह से मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या मैंने फ़िलहाल जो सामान मैंने बाहर इस तरह से मैंने जमाया हुआ है, जो भी मेरे पास सामान था। गाइस कुछ नॉइज़ आ रहा हो आप तो प्लीज़ इग्नोर करना। और ये देखो कुछ ऐसा क्या है, जो मेरा फ्रंट तो पुराना मेरा था वो मैंने बैक साइड ये लगवा दिया है यहाँ पे। और ये जो मेरा इयरिंग था वो इस वॉल नेक्स्ट वॉल में करवा दिया। और कुछ इस तरह से ये लुक आया था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्लर का लुक पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरा पार्लर पसंद आया होगा। और पहले कैसा था अब कैसा है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में, क्योंकि मेरा मन था कि मैं अपने पार्लर का वीडियो जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँ। तो आज ये ब्लॉग मैंने इसी उस पर जम बनाया है, क्योंकि बहुत से लोग वेट कर रहे थे। और जैसे जैसे मेरे पार्लर में अब कस्टमर आएंगे तो उनका उनके साथ मैं जो भी करूँगी मेकअप थ्रेडिंग, तो वह अब आपके साथ सब कुछ शेयर किया करूँगी। पहले भी मैंने बहुत किया है, मैं पहले वीडियो नहीं बनाती थी, तो अब मैं जो भी होगा मेरे पार्लर में तो वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अपना विशेष दीजिएगा कि मेरा पार्लर बहुत अच्छा चले और आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपने पार्लर से रिलेटेड शेयर कर पाऊँ। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक लेते हैं, क्या लव यू और बाय गाइस।